शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उन्नाव गैंगरेप केस में एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज रिपोर्ट की मांगे जाने की बात कही थी, तो एसआईटी आज उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। आरोपी बीजेपी एमएलए सेंगर से एसआईटी पूछताछ भी करेगी। उन्नाव गैंगरेप केस में एसआईटी अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप देगी। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि इस मामले में किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी, और अगर जांच में पता चलता है कि जांच के स्तर पर इससे पहले पुलिस वालों की तरफ से या पुलिस की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, तो उनको उन पर कार्रवाई भी तुरंत की जाएगी। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई को गिरफ्तार किया जा चुका है, तुलसिंह सेंगर को, और कुलदीप सिंह सेंगर को गृह विभाग फिलहाल क्लीन चिट दे चुका है। चार तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त एमएलए का भाई गिरफ्तार, विधायक पर कार्रवाई कब, यही सबसे बड़ा सवाल। एसआईटी जांच से मिलेगा इंसाफ, और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है गैंगरेप केस का। वकील एमएल शर्मा ने इस मामले में याचिका दाखिल की। याचिका में रेप पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा देने के साथ ही पुलिस आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं विधायक के भाई अतुल सेंगर समेत चार लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। डीएम रवि कुमार ने पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार को भी मिलने के लिए बुलाया। उधर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने साफ किया कि एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी और सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमें बस यही चाहिए कि तीनों लोग अरेस्ट किए जाए, हमारे पापा को मार डाला। एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें उच्च कोटि के विवेचक लगाए जाएंगे और एडीजी जोन लखनऊ की डायरेक्टली सुपरविजन में इसकी मॉनिटरिंग होगी। पीड़िता की कंप्लेंट के आधार पर माननीय विधायक जी को भी आरोपित किया गया है। क्या एक्शन किया पुलिस उसमें भी विचार कर रही है। चार तस्वीरें सत्ता आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं आपको, और एमएलए का भाई गिरफ्तार हो गया है, विधायक पर कार्रवाई कब होगी, सवाल शायद सबसे बड़ा यही है। और इसी बारे में बात करने के लिए वर्णित गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। वर्णित, यही सवाल है जो सब पूछ रहे हैं, एसआईटी रिपोर्ट भी आज मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी, विधायक के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन विधायक पर कार्रवाई कब तक? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी एसआईटी का सहारा ले रही है यूपी पुलिस, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दबाव है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि खुद साफ साफ कहती है अगर कोई पीड़िता ये बोल रही है कि उसके साथ रेप हुआ और वो किसी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसे अरेस्ट कीजिए और उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जो भी बात पीड़िता कह रही है वो सही है या गलत है। लेकिन सबसे पहला काम जो पुलिस का कर्तव्य है कि उसको गिरफ्तार करना चाहिए जिसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। तो एमएलए कुलदीप सेंगर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एसआईटी बनाई गई है, खुद मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, आज एसआईटी उन्नाव जा रही है। इसमें जो एसआईटी में आज जो टीम है उसका, उसमें 5 सदस्यीय टीम है। इसके अंदर दिनेश सिंह है जो कि पुलिस अधीक्षक है और ये क्राइम ब्रांच के एसपी भी है, एसपी है, और इसके अलावा श्वेता श्रीवास्तव है, ये भी एसपी है, यूपी डायल 100 नंबर पे वो भी है इस टीम में। इसके अलावा अपनेश पांडे है, निरीक्षक है जनपद लखनऊ के, और ज्योति यादव है, ये भी है जनपद लखनऊ से निरीक्षक, और अजय कुमार ये भी निरीक्षक है और बाराबंकी से है ये। चलिए उन्होंने तो इस मामले में ये पूरी टीम की आपने जानकारी दे दी है, पूरी टीम उन्नाव पहुंच रही है और उम्मीद यही है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद देखेंगे कि सरकार फिर क्या कदम उठाती है। इस बीच इस केस में आरोपी बीजेपी विधायक के खिलाफ इंडिया न्यूज को एक एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप मिली है। इस ऑडियो क्लिप में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पीड़ित लड़की के चाचा पर धमकी भरे अंदाज में केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। देखो, आप भगवान दया से ठीक हुए हो जी, लोग चाहते हैं कि ये लोग मर जाएं जी, ठीक है जी, मतलब लड़ाई में सबका नुकसान होता है, हमारा तुम्हारा सबका जी,
तुम हमारे छोटे भाई हो, तुम आगे बढ़ो, हमने यही चीज तुमसे कही थी ना जी। और आप हमारे पास आइए और घर में सब सदस्यों से कह दीजिए जी, जो हुआ वो खत्म जी, हमारा तुम्हारा है, तुम हमारे पास आइए, हम तुम मिलके एक नया अध्याय शुरू करते हैं जी। जी ठीक, अब हमारी तुम्हारी बात में बीच वाला कोई नहीं रहेगा। नहीं थी इनको अतुल क्या जरूरत थी, मैंने अतुल ढंग से कल से बात की थी, हमने कहा भैया तुमको क्या जरूरत थी मारने पीटने की जाने की। अब तुम तुम्हारे ज्यादा सगे हैं कि कोई दूसरा तुम्हारा ज्यादा सगा है? अतुल सगे हैं तो अतुल सगे हैं तो बात खत्म हो गई। और इस केस में पीड़िता पहले दिन से आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगा रही है। गृह सचिव ने विधायक को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन पुलिस कह रही है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमें बस यही चाहिए कि तीनों लोग अरेस्ट किए जाएं, हमारे पापा को मार डाला, कुछ नहीं होएगा, हमें कुछ नहीं लग रहा, वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, जब हम सुन लेंगे तभी हमको संतोष होएगा। इस पीड़ित लड़की को रोता बिलखता देखकर आपके रोंगटे खड़े होंगे, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। आदमियों ने हमको एक तरफ गैंगरेप पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर आरोपी विधायक के भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अब तक सलाखों से दूर है। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए, थर्ड डिग्री टॉर्चर का ऐसा खौफनाक मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये उसी लड़की के पिता के साथ पुलिस की बेरहमी की तस्वीरें हैं, जिसे माखी थाना पुलिस ने चल्लादों की तरह पीटा था। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गैंगरेप पीड़िता के पिता की मौत पुलिस की पिटाई और आंत फटने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर 14 जगहों पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ निकल के आया है वो शॉक ड्यू टू सेप्टिसीमिया ड्यू टू पेरिटोनाइटिस ड्यू टू परफोरेशन इन असेंडिंग कोलन, मतलब कि असेंडिंग को जो कोलन में आंत में जो है कि परफोरेट हो जाने से फट जाने की वजह से इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिसीमिया हुआ और पेशेंट शॉक में चला गया।